नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के बाद इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। गुरुवार 17 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पर एक अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि आर्टिकल 370 को संविधान में स्थायी दर्जा मिल गया है। संवैधानिक ढांचे में इसके अस्थायित्व की स्थिति को नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से दिए गए तर्क से असहमति जताते हुए ये जवाब दिया। अमेरिकी अदालत ने तबवूर राणा के प्रत्यक्षकरण रीट को खारिज कर दिया है। अमेरिकी अदालत के फैसले के कारण राणा के प्रत्यर्पण को हरी झंडी मिल सकती है। बता दें कि राणा पाकिस्तानी मूल का कंडाई व्यवसायी है। भारत में 2008 में हुए 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में उसकी संप्लिप्तता पाई गई है। भारत ने अमेरिका ने राणा के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया था। अमेरिकी शहर कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट जज डेल एस फिशर ने 2 अगस्त को राणा की याचिका खारिज कर दी। एनडीटीवी में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस के हालिया आंकड़ों के अनुसार पानी की कमी वर्तमान में दुनिया भर के कई क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। माना जा रहा है कि यह जल संकट अगले 27-28 सालों में 2050 तक करीब 60% तक बढ़ सकता है। हर 4 साल में जारी होने वाली रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि साल 2050 तक सकल घरेलू उत्पाद के आधे से अधिक के लिए केवल 4 देश भारत, मेक्सिको, मिस्र और तुर्की इस समस्या से ज्यादा प्रभावित होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर घर पर तिरंगा फहराने का वीडियो शेयर किया था। गौतम गंभीर ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, इसका तो पता नहीं पर जो तुमसे है वह किसी से नहीं, जय हिंद। गौतम गंभीर ने इंडिपेंडेंस डे हैशटैग का भी इस्तेमाल किया था। इसके अगले दिन यानी 16 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट शेयर की। पोस्ट में एक महिला रात में सुनसान सड़क पर खड़ी है। गौतम गंभीर ने इसके कैप्शन में लिखा, अब जबकि स्वतंत्रता दिवस समाप्त हो गया है, सच्ची स्वतंत्रता तब होगी जब हम अपनी माताओं, बहनों और बेटियों को सम्मान करना शुरू करेंगे। आइए उन्हें सुरक्षित महसूस कराएं। जय हिंद। अन अकेडमी द्वारा अपने एक टीचर को नौकरी से निकालने का मामला अब बड़ा होता जा रहा है। करण सांगवान नाम के टीचर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था, जिसमें वह लोगों से सिर्फ पढ़े लिखे उम्मीदवारों को वोट करने की अपील कर रहे थे। इस बयान पर बवाल होने के बाद अन अकेडमी ने टीचर को जॉब से निकाल दिया था। करण खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर चुके हैं और 19 अगस्त को विवाद पर विस्तृत जवाब देंगे। इस विवाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कूदे और उन्होंने इस टीचर का समर्थन किया। इसके साथ ही इस पूरे विवाद पर कंपनी के को फाउंडर रोमन सैनी ने भी बयान दिया है। ज्ञानवापी परिसर का मामला आपसी बातचीत से सुलझाने का प्रयास हो रहा है। इसके लिए मुस्लिम पक्ष के जवाब का इंतजार है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने 14 अगस्त को बातचीत से समस्या का हल निकालने के लिए प्रस्ताव भेजा था। इसके 3 दिन बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से सकारात्मक जवाब सामने आया है। मुस्लिम पक्ष ने अदालत के बाहर बातचीत से झगड़ा खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार का भरोसा दिया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की बैठक में अब इस प्रस्ताव को रखा जाना है। अब इस बैठक के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। भाला फेंक खिलाड़ी किशोर जेना का 1 महीने का वीजा हंगरी के दूतावास द्वारा रद्द किए जाने के बाद 1 दिन बाद इस भारतीय खिलाड़ी को शुक्रवार को दोबारा वीजा साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, जिससे इस 27 वर्षीय खिलाड़ी के बुडापेस्ट में आगामी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की उम्मीद जगी है। जेना का वीजा रद्द होने के बाद साथ ही भाला फेंक खिलाड़ी और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने गुरुवार को वीजा मुद्दे को सुलझाने के लिए विदेश मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की, जिससे कि यह खिलाड़ी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा पेश कर सके। यूपी के प्रयागराज से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में टेबल पर तिरंगे जैसा कपड़ा बिछा हुआ है। कपड़े पर ढेर सारा नाश्ता रखा हुआ है। टेबल के चारों ओर कई लोग बैठे हुए हैं और तस्वीरें क्लिक करा रहे हैं। फोटो प्रयागराज के सरकारी स्कूल का है और तस्वीर स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त की है। मामला सामने आने के बाद पुलिस थाने में 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के भाई तहसीन पूनावाला ने एक यूट्यूब चैनल पर दावा किया है कि सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को 3 महीने से सैलरी नहीं दी है। हालांकि इस दावे की पीआईबी ने तथ्य जांच की और इसे फर्जी करार दिया। बाद में तहसीन ने स्पष्ट किया कि इंजीनियरों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसका जवाब देते हुए शहजाद ने ट्वीट किया कि अब जब आपने स्वीकार कर लिया है कि इसरो के वैज्ञानिक नहीं बल्कि कथित तौर पर कुछ इंजीनियर इसरो से नहीं है, तो इसमें भी सबसे अधिक सम्मानजनक बात यह है कि आप इसरो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से माफी मांग ले। मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने पर तुली है। गुरुवार को ट्वीट कर लालू ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई आर्थिक सलाहकार है विवेक देबरॉय पर बाबा साहेब के संविधान की जगह नया संविधान बनाने की वकालत कर रहा है। आरजेडी प्रमुख ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री की मर्जी से यह सब कहा और लिखा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने पर तुली मोदी सरकार अब संविधान पर हमला कर सीधा संविधान ही समाप्त करने की बात कहने लगी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा विशेष सत्र के दौरान गुरुवार को कहा, देश में हर कोई जानना चाहता है कि चीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं। पीएम के मुंह से चीन शब्द नहीं निकलता है। गलवान घाटी में हमला करके उन्होंने हमारे 20 जवान को शहीद कर दिया। दिल्ली से डेढ़ गुना इलाका चीन की फोर्स ने कब्जा कर लिया और प्रधानमंत्री चुप रहे। यह लोग जवाहरलाल नेहरू को गाली देते हैं, लेकिन उन्होंने चीन से कम युद्ध तो किया था। चीन से हमारा व्यापार $47 बिलियन का था, लेकिन उसे बढ़ाकर इन्होंने $114 बिलियन कर दिया। मैं पीएम से कहना चाहता हूं कि आग दिखाने की हिम्मत तो जुटाओ, हाथ में हाथ डालने पर घूमने से इश्क होता है, कूटनीति नहीं होती है। देश में 52 लाख मोबाइल कनेक्शन को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। इन सिम कार्डों को फर्जी तरीके से जारी कराया गया था। यही नहीं, मोबाइल सिम कार्ड बेचने वाले 67,000 से अधिक डीलर्स को केंद्रीय संचार मंत्रालय ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में संचार साथी पोर्टल के लागू होने के बाद काफी पारदर्शिता आई है। फ्रॉड तरीके से सिम लेने वाले या बेचने वालों पर शिकंजा कसने में आसानी हुई है। बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन कमेटी और संकल्प पत्र कमेटी भी बना ली है। इन दोनों ही कमेटी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। राजे की भूमिका के बारे में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि सभी वरिष्ठ नेता प्रचार करेंगे। संकल्प पत्र कमेटी की कमान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को दी गई है। चुनाव प्रबंधन कमेटी की जिम्मा पूर्व सांसद नारायण पंचालिया को दिया है। अभी चुनाव प्रचार समिति का ऐलान होना बाकी है। माना जा रहा है कि उसमें वसुंधरा राजे को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। फरीदाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो क्रेडिट कार्ड जारी करने या उनकी लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करता था। पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक निजी बैंक का सहायक प्रबंधक और एक बैंक का कर्मचारी भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 मोबाइल, 2 डेबिट कार्ड, फर्जी दस्तावेजों से खरीदे गए 4 सिम कार्ड और ₹44,000 नकद बरामद किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना को विश्वकर्मा जयंती पर 17 सितंबर को लॉन्च किया जाना है। 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, इसलिए भाजपा ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर एक मेगा प्लान तैयार किया है। भाजपा 17 सितंबर को देशभर में बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाएगी और भाजपा का ओबीसी मोर्चा इसी दिन लॉन्च किए जा रहे पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर देशभर में मंडल स्तर तक जाकर लोगों को जागरूक करने के अभियान भी चलाया जाएगा। गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर एक महिला सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी कॉल सेंटर का संचालन गुरुग्राम के सेक्टर 43 स्थित एक घर से किया जा रहा था। कॉल सेंटर तकनीकी सहायता प्रदान करने के नाम पर अमेरिकी नागरिकों को धोखा देता था और सेवा शुल्क के रूप में $100 से $500 लेता था। कॉल सेंटर के कर्मचारी खुद को सेवा प्रदाता के रूप में पेश करते थे। पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर जसवीर सिंह के नेतृत्व में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की एक टीम ने एक गुप्त सूचना के बाद कॉल सेंटर पर छापा मारा। पुलिस ने 3 मोबाइल फोन, 10 लैपटॉप और 10 लाख रुपए नकद भी जब्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ताजा फैसले में गुजरात सरकार को उन भूस्वामियों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने का निर्देश दिया है जिनकी जमीन नर्मदा परियोजना की वडोदरा शाखा नहर के लिए अधिग्रहित की गई थी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने देय मुआवजे को कम करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि अपीलकर्ता जितनी भी राशि के हकदार है उन्हें अब तक प्राप्त राशि को घटाकर 10 मई 2007 से 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ 90 दिन के भीतर उन्हें भुगतान किया जाए। सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले को अपने हाथ में ले लिया है और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की है। मामला पहले हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के पुलिस स्टेशन अड़की का था। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 27 मार्च 2022 को आयोजित की गई थी जिसमें अनियमितता पाई गई। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। कई दिनों से जारी लगातार बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से लोगों को आवाजाही करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुरसाड़ी के पास बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। ये दरारें लगातार बढ़ रही हैं जिससे कभी भी सड़क का एक बड़ा हिस्सा भू धसाव की चपेट में आ सकता है। इससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने की संभावना है। पिछले कई वर्षों से यह स्लाइड जोन सक्रिय नहीं था क्योंकि यहां पर करोड़ों की लागत से क्षेत्र का ट्रीटमेंट किया गया था। भारत की जड़ी बूटियों वाली देसी चिकित्सा पद्धति के गुण सीखने के लिए दुनिया भी उत्सुक हुई है। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा को अब दुनिया भर में डंका बजेगा, मध्यम बनेगा आयुष वीजा। भारत सरकार की तरफ से वसुधैव कुटुंबकम नीति के तहत जारी होने वाले आयुष वीजा के जरिए विदेशी यहां आसानी से ध्यान योग के साथ यहां आ रही जड़ी बूटियों वाली इलाज पद्धति सीखने आ सकेंगे। मोदी सरकार की पहल पर पहली बार बुधवार से यहां 2 दिनों तक चलने वाले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन में 90 से अधिक देशों के विशेषज्ञ जुटकर देसी इलाज पद्धति पर महामंथन करेंगे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में मिली करारी हार के बाद अब भारतीय टीम आयरलैंड से 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलने जा रही है। इस सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी कि 18 अगस्त को आयरलैंड के डबलिन के द विलेज मैदान में खेला जाएगा। इस मैच में इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सबको चौंका देने वाले रिंकू सिंह डेब्यू करेंगे। रिंकू सिंह अब भारत के लिए नीली जर्सी में खेलते दिखाई देंगे।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के 3 सदस्यीय कॉलेजियम ने उड़ीसा, गुवाहाटी और केरल उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पद के लिए 2 न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ता और एक अतिरिक्त न्यायाधीश के नाम की सिफारिश बृहस्पतिवार को की। चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के कॉलेजियम ने अधिवक्ता शिवशंकर मिश्रा और न्यायिक अधिकारी आनंद चंद्र बेहरा को उड़ीसा उच्च न्यायालय में नियुक्ति की सिफारिश की है। बिहार के भागलपुर जिले में डेंगू पीड़ित मरीज की मौत हो गई। JLMCH में 16 अगस्त की शाम भर्ती हुए मरीज की बुधवार रात 2 बजे के करीब मौत हो गई। यह साल का जिले में डेंगू से पीड़ित शख्स की पहली मौत है। इस घटना के बाद मृतक के मोहल्ले में कोहराम मच गया। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। तेज बुखार व बदन दर्द होने पर डॉक्टर डेंगू जांच की सलाह दे रहे हैं। भागलपुर के अलावा पटना और मुजफ्फरपुर शहर में बारिश के बाद डेंगू जैसे लक्षणों वाले मरीज मिलने लगे हैं। इन दिनों तेज बुखार और बदन दर्द के मरीज निजी डॉक्टरों के यहाँ इलाज करने पहुँच रहे हैं। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपने बेटे के जीवन पर आधारित एक फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से इनकार करने संबंधी आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की पीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ कृष्ण किशोर सिंह की अपील पर फिल्म निर्माताओं सहित कई लोगों को नोटिस जारी किया। के सिंह ने अपने दिवंगत बेटे के जीवन पर फिल्म बनाकर उन पर अनुचित व्यावसायिक लाभ लेने का आरोप लगाया है। प्रिंटिंग की दुनिया में भारत ने पहली बार यह नया कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके इसका वीडियो भी साझा किया, जिसमें 3D प्रिंटिंग तकनीक से बिल्डिंग तैयार होती हुई देखी जा सकती है। प्रिंटिंग की नई तकनीक का इस्तेमाल करके पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग तैयार की गई है। बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित यह बिल्डिंग रिकॉर्ड 44 दिनों में प्रिंट होकर तैयार हो गई है। इसका उद्घाटन खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। अधिकारियों के अनुसार इस 3D पोस्ट ऑफिस का निर्माण 21 मार्च से शुरू हुआ था और 3 मई को पूरा हो गया था। 3D तकनीक के कारण इस्तेमाल के कारण इसे कितने कम दिनों में तैयार किया जा सका है। भारत के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर और स्टार एथलीट दूती चंद पर डोपिंग के चलते 4 साल का बैन लगा है। दिसंबर महीने में जांच के लिए दूती ने जो सैंपल भी दिया था उसमें SARMS पाया गया था। दूती का 4 साल का बैन 3 जनवरी 2023 से लागू माना जाएगा। दूती चंद ने साल 2021 के ग्रांपी में 100 मीटर की रेस 11.17 सेकंड में पूरी करके नेशनल रिकॉर्ड कायम किया था, जो कि अब तक कायम है। पिछले साल 5 और 26 दिसंबर को नाडा के अधिकारियों ने दूती का सैंपल लिया था। उनके पहले सैंपल में एंड्राइन आस्ट्रो और लिंगन पाया गया, वहीं दूसरे सैंपल में भी एंड्राइन और ऑस्ट्रा इन पाया गया। दूती के पास विकल्प था कि वह फैसला आने के 7 दिन के अंदर भी सैंपल टेस्ट के लिए दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसी कारण नारा ने उन पर बैन लगाया। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और आपराधिक गतिविधियों के लिए दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार जल्द ही सिम कार्ड डीलरों को बायोमेट्रिक और पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी कर देगी। दूरसंचार विभाग द्वारा मौजूदा उस तरीके पर भी रोक लगा दी जाएगी जिसमें व्यावसायिक संस्थाएं थोक में सिम कार्ड खरीद लेते थे। बताया गया कि इसके बजाय बिजनेस सिम कनेक्शन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज ग्रेटर नोएडा के सुतियाना स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप सेंटर पहुंचकर 4 करोड़वा पौधा लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने यह पौधारोपण अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान के तहत किया है। इसके बाद उन्होंने CAPF के 8 परिसरों में नवनिर्मित 15 भवनों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम नई पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे होते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन को कम करने की आवश्यकता है। भारत की पहली लंबी दूरी की मारक क्षमता से लैस रिवॉल्वर प्रबल बनकर तैयार है। रिवॉल्वर प्रबल आज लॉन्च हो गई है। इस रिवॉल्वर की कई खासियत है। पहली तो यह कि ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित रिवॉल्वर है। दूसरी, ये रिवॉल्वर महिलाओं के भी काफी मुफीद है। इसका वजन काफी कम है। फिलहाल देश की कोई भी रिवॉल्वर 20 मीटर से ज्यादा का लक्ष्य नहीं भेदती है। इसके अलावा प्रबल भारत में निर्मित होने वाली पहली रिवॉल्वर है जिसमें साइड स्विंग सिलेंडर है। अब आप जल्द ही WhatsApp के अंदर AI का इस्तेमाल करके खुद कस्टम स्टिकर्स बना सकेंगे। मेटा वर्तमान में WhatsApp पर जेनरेटिव AI से चलने वाले एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जहां यूजर्स केवल एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के साथ कस्टम स्टिकर्स बना सकते हैं। इससे यूजर्स को अपने मन में चल रही बात को तेजी से एक स्टिकर में बदलने में मदद मिलेगी। अभी के लिए यह फीचर केवल उन चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध है जिनके पास एंड्रॉइड 2.23.17.8 या फिर इनमें से नए वर्जन के लिए WhatsApp बीटा का एक्सेस है। WhatsApp का यह वर्जन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स आसानी से अपने विचार को पल भर में एक एनिमेटेड स्टिकर में बदल सकते हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनर शर्मा, भान प्रकाश मौर्य, सचिन कुमार, उमेश श्रीदेव, मोहम्मद फहीम, सदुल्लाह पलवी, रंजीत मिश्रा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में इस वर्ष धान की खेती कैसी हुई है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।